पापा ये लोग कह रहे हैं कि जब तक हम पैसा जमा नहीं करेंगे ये लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। क्या मतलब ऑपरेशन नहीं होगा? अरे हम लोग भागे जा रहे हैं क्या? पैसे के लिए जान की परवाह नहीं करेंगे किसी की? कितने पैसे जमा करने हैं? 1.5 लाख। डेढ़ लाख? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, विक्रम इंडिया में, मैं उससे बात करके देखती हूँ। जी इस रूट की सारी लाइनें हैं व्यस्त, थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। विक्रम मजाक मत कर, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ओ अब क्या हो गया? विक्रम, आनंद को गोली लग गई। क्या? वो दीप, क्या बोल क्या रही है तू? कैसे? वो सब समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। विक्रम हम लोग हॉस्पिटल में हैं, उसका ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि जब तक 1.5 लाख रुपए नहीं जमा किए तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता, और इतनी जल्दी हम लोग पैसे कैसे काम करें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए सोचा तुझसे हेल्प मांगो। दीदी मैं बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर में? अच्छा अच्छा दीदी सुन मेरी बात सुन, तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ कुछ। देख मैं सुबह आ रहा हूँ वापस, ठीक है? लेकिन उससे पहले कोशिश करता हूँ कि मैं किसी के हाथों से पैसे भिजवा दूँ। इन केस अगर मैं नहीं भिजवा पाया ना तो मैं मॉर्निंग में पहुंच रहा हूँ, तब तक तुम मैनेज कर लो। हाँ मैं कोशिश करती हूँ, रखती हूँ। विक्रम ने कहा है कि वो बैंगलोर में कल सुबह तक आएगा, हमें इन लोगों से कल सुबह तक की मोहलत लेनी पड़ेगी। मैं ऑलरेडी बात कर चुका, उसे कुछ नहीं होने वाला। देखो हम सब समझते हैं कि तुम्हें सिद्धि की परवाह है, लेकिन जिस तरह से हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहे हैं तुम भी हमारी मजबूरी को समझो ना। जिस तरह से हम लोग ये 6 महीने काटने की कोशिश कर रहे हैं तुम भी करो। कुणाल की फैमिली मेरे अगेंस्ट नहीं है, मुझे उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इनफैक्ट इस बात का फायदा उठाकर आनंद को अपने घर लाने की कोशिश करनी चाहिए। बस एक बार आनंद मेरे पास आ जाए उसे लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। जयपुर के इस शॉपिंग मॉल में आज दिन दहाड़े लूट की गई। कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा और एक महिला को बंधक बनाकर वहां से भागने की कोशिश की। इसी घटनाक्रम में एक बच्चे को गोली भी लगी है और अब उन बदमाशों को पकड़ लिया गया है और उस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। कैमरामैन करण के साथ मैं नदीम। ये तो आनंद, मुझे बताइए उसके बाद क्या हुआ? पापा ने आपको प्यार कहा, वो आपसे प्यार करते कि नहीं? ये सब मेरी वजह से हुआ। आनंद को मैंने ही शॉपिंग पे जाने का आइडिया दिया था। अगर हम शॉपिंग पे नहीं जाते तो वो मेरे साथ होता। नहीं आनंद, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं और हमारे आनंद को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पर सच में आनंद को कुछ नहीं होगा ना? माँ बोलिए ना, आनंद को कुछ नहीं होगा ना? हाँ कुछ नहीं होगा उसे, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। We'll be right back.
सिद्धि आनंद कहाँ है? वो कहीं भी हो, आपसे मतलब? प्लीज सिद्धि ऐसा मत करो। देखो मुझे आनंद से मिलना है, मुझे देखना कि मेरा बेटा कैसा है। मैंने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया और आज उसकी ऐसी हालत। प्लीज सिद्धि तुम्हारे से मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपने बेटे से मिल लेता हूँ एक बार। सिद्धि प्लीज। उसे अभी कोई नहीं मिल सकता, ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन? हाँ, लेकिन आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा उसे। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना कर। आप चिंता मत कीजिए, आनंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकते हैं कि आनंद के केस को हैंडल कर रहे हैं? मिस्टर कुणाल। जी डॉक्टर, आनंद की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। ऑपरेशन चल रहा है, किडनी पर भी चोट लगी है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा प्लीज। डॉक्टर साहब, आप कैश काउंटर पे जाके ऑपरेशन की फीस डिपॉजिट कीजिए। कैसे हो गया? मैंने न्यूज में देखा कि हमारे आनंद को गोली लग गई। अरे माँ परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर्स ने क्या कहा? किडनी में गोली लगी और काफी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। एक ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा चल रहा है। माँ देखिए, आप प्लीज रोइए मत, अब चुप हो जाइए। कुछ नहीं होगा हमारे आनंद को, और मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा उसे। अब आप प्लीज रोना बंद कीजिए, संभालिए अपने आप को। तुम्हें गलत क्यों ना समझो, एक तरफ तुम कहती हो कि अभय ने आनंद को मारने की कोशिश की और दूसरी तरफ तुम उसी को आनंद से मिलवाने के लिए बुलाती हो। मैं जानती हूँ कुणाल, आप यही सोच रहे होंगे कि अभय को यहाँ पर मैंने ही बुलाया, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यही बात मैं पूछूंगा तो झूठ बोल दोगे, पूछने का भी क्या फायदा। अब कैसे समझाऊं मैं आपको, ना मैंने अभय को यहाँ पे बुलाया और ना ही मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह सकती। कॉल मिसेस सिन्हा, और जो भी प्रोग्रेस होती है मुझे बताओ। क्या रिसेप्शन? डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? आनंद कैसा है? हमें अभी और ब्लड की जरूरत पड़ेगी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं उसका बाप हूँ, आप मेरा खून चेक कर लीजिए। देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट करें। हमने ब्लड बैंक में फोन कर दिया, ब्लड वहीं से आएगा। भैया डॉक्टर्स ने क्या कहा? ब्लड बैंक से मंगवाया। हम पैसों का क्या करें? अभी तो डॉक्टर्स बिजी हैं ऑपरेशन रूम में, लेकिन गलती ही पैसे मांगे। विक्रम भी मुंबई में नहीं है। मैं बात करके देखता हूँ।
क्या हुई? मना कर दिया? पैसे भरने के लिए मोहलत नहीं दी ना? क्यों? सिद्धि ने बता दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? सही बात को एक गलत नजरिए से देखता। अगर कोई तुम्हारी मदद भी करना चाहता ना, तो तुम उसे अपना दुश्मन समझते। हाँ, सिद्धि ने मुझे फोन करके बुलाया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, ना कि इसलिए कि मैं तुम्हारी इंसल्ट करूं और तुम्हें नीचा दिखाऊं। तुम तो उसकी भलाई में भी बुराई ढूंढ रहे हो। वैसे कुनाल, तुम किसी अजनबी से मदद नहीं ले रहे हो। आनंद का बाप, इतना तो अपने बेटे के लिए कर सकता हूं मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है कि आनंद इतने सालों से मुझे डैड बुलाता आ रहा है और मैं भी उसे बेटा। अब ये आदत जाने के लिए वक्त लगेगा ही ना। और शायद ना भी जाए। एनीवे, ऑपरेशन के पैसे मैं भर देता हूँ। वैसे भी मैं भरूँ या तुम, एक ही बात है। बात एक नहीं है अभी देवा। आनंद मेरा बेटा, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे मैं दूंगा और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। कुणाल कहाँ जा रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे अरेंज नहीं कर सकता? जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आनंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, सिद्धि ने मुझे फोन करके बुलाया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आप तो कहते हैं ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं, नफरत करते हैं ना आप मुझसे। फिर आज आपने अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान क्यों बचाई? बोलो, क्या कहा आपने कुणाल? क्या कहा मैंने? मैं तो सिर्फ अफसोस जाता रहा। उसे ये कह रहा था कि जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप इतने भी अच्छे नहीं कि हमारे दुख में अपनी चिंता जाहिर कर सके। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने यही कहा। इनफैक्ट मैंने उसे ये भी कहा कि सिद्धि तुम्हारी मदद करना चाहिए। सिद्धि के बारे में गलत मत सोचो। पता है क्या, उसे गुस्सा आ गया। वो मुझे ये कह रहा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने बच्चे का इलाज करूंगा। अब तुम ही बताओ सिद्धि, मैंने कुछ गलत कहा क्या? झूठ बोल रहा। आपने जरूर ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से कुणाल को बुरा लग गया। तुम्हें पता है तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या? अगर उसे अच्छे से बात करो ना तो उसे बुरा लगता है, और तुम्हें अगर सच कहो तो तुम्हें झूठ लगता है। अब तुम ही बताओ, अगर वो ये खुद सोच रहा है कि तुमने मुझे फोन करके बुलाया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, तो इसमें गलत क्या है? तुम मेरी बीवी हो ना, ये तो मेरा फर्ज बनता है ना। भले कानून हमारे रिश्ते को ना माने, लेकिन हाँ, कुणाल हमारे रिश्ते को जरूर मानता है। एनीवे, इन सब चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा बेटा है जो इस वक्त अच्छी हालत में नहीं है। डिपॉजिट के पैसे भर के आता हूं, वरना तुम दोनों के भरोसे रहना अपने बेटे को गवा दूंगा। गलत सोच रही थी, मुझे लग रहा था कि तुम्हें आनंद की परवाह, उससे प्यार करते हो। लेकिन अब समझ में आया कि आप यहां पर क्यों आए।
लेकिन एक बात याद रखना, जैसा आप सोच रहे वैसा कभी नहीं होगा। नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे इसे अभय का आना सच में बहुत बुरा लगा। सब दिखावा है, पहले खुद ही उसे बुला लिया, अब खुद ही उसे लड़के दिखा रही है। रिलैक्स बेबी, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा ओके, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं। आज मार्केट बहुत गर्म लग रहा है। मार्केट भी गर्म है और लोगों का जेब भी। अरे इसीलिए तो आज इतने सारे लोग आए यहाँ पर। अच्छा ये जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कमाई। देखो वकील साहब आए, आज रास्ता भूल गए, कोर्ट की जगह इस रिंग में। क्या बात है कुणाल साहब, बड़े दिनों बाद। पिछले फैट की चोट भर गई क्या तुम्हारी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। यहाँ उधारी नहीं चलती भाई। मैं कैश की बात कर रहा हूँ, उधारी नहीं। और वो भी फाइट जीतने के बाद। आज की फाइट फिक्स हो चुकी है और वेटिंग भी चालू हो गई। आज तो चांस ही नहीं। मुझे पैसे चाहिए वो भी आज। बोलो किससे लड़ना होगा? पैसे की वाकई जरूरत है या फिर उस बच्चे से कोई सीट दिलाने का वादा कर लिया? मेरे बच्चे की जान खतरे में, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, बताओ। पॉसिबल ही नहीं है कुणाल बाबू, अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। फाइट की एंट्री एक दिन पहले करनी पड़ती। मैं कोई रूल्स नहीं मानता हूँ। मैंने कहा ना मुझे पैसे चाहिए, कौन लड़ेगा मेरे साथ? देखो कुणाल, तुम्हारी मजबूरी और गुस्सा मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। अगर पासवर्ड होता तो मैं कुछ करवा सकता था, लेकिन आज संभव नहीं है, आज नहीं हो सकता। कुणाल के लिए सिर्फ आनंद मुश्किल में, पर मेरे कुणाल और आनंद दोनों मुश्किल में। वहां आनंद की जान खतरे में है और यहाँ कुणाल उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट कर रहे। कहाँ से लाएंगे वो इतने पैसे? अब ऐसे तो वो कभी कोई हेल्प नहीं लेंगे और मैं खुद नहीं चाहूंगी कि वो अब ऐसे कोई हेल्प मांगे। अच्छा लगा कि तुझमें तुम में अभी भी कुछ एहसास बाकी है, वरना मुझे तो लगा था कि झूठी जिंदगी जीते जीते कहीं तुम्हारी फीलिंग्स भी तो झूठी नहीं हो गई हैं। यही फर्क है हम में और तुम में। तुम्हें हमको तकलीफ में देख के मजा आता है, हम तुम्हें इतनी सी भी परेशानी में नहीं देख पाते। वो मैं ही था जो घर में सबको कहता था कि सिद्धि सब कुछ देख सकती है लेकिन किसी की तकलीफ नहीं। कभी तुम भी हमारी जैसी हुआ करती थी, पर अब मैं आज भी आप लोगों की जैसी। बस आप देख नहीं पा रहे। हो सकता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आनंद को। तुमने उसे जन्म दिया है पर वो हमारा भी कुछ लगता है, और इतने सारे लोगों की दुआएं खाली नहीं जाएंगी। इसलिए सोच सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है,
जल्दी ठीक हो जाएगा।